फिल्म पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे VFX के शॉट्स हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था VFX के साथ शूटिंग करना। बाकी फिल्मों में थोड़ी बहुत VFX होते हैं और वो आपको उतना बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन इस फिल्म में मेरे बहुत सारे सीन्स एम्प्टी स्पेसेस के साथ थे कि मेरे सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और उसके साथ मुझे डायलॉग बोलना था। तो पहले दिन मैं थोड़ा आई वॉज थ्रोन और मैंने डायरेक्टर साहब को पूछा, बोला यार ये डायलॉग किसको बोल रहा हूँ, आने क्या वाला है? तो उन्होंने समझाया कि भाई यहाँ पे पूरा VFX, पूरा तुमने जो ब्रेन क्रिएट किया है वो ब्रेन यहाँ पे आएगा, डेटा बैंक जिसे कहते हैं। और ऐसे कई सीक्वेंसेस हैं, लेकिन आई थिंक बाय द टाइम द फिल्म गॉट ओवर आई वॉज क्वाइट यूज टू टॉकिंग टू नोबडी। और अब मैं तैयार हूँ, अगर मुझे कोई फिल्म मिले जहाँ पे जानवरों के साथ बात करना पड़े और जानवर ना हो तो मैं बड़ी आसानी से बात कर लूँगा। फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और जो मेरा किरदार है हरी सिंह का, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अक्सर होता है कि हमारे कोई प्रिय, हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले कोई अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है और उनकी याद में हम तस्वीर लगा लेते हैं या वीडियो पे उनके पुराने वीडियोस देख लेते हैं फ़ोन पे। इस ऐप के द्वारा आप एक्चुअली उस इंसान को रिक्रिएट कर सकते हैं और वो ज़िंदगी भर ज़िंदगी आपके बगल में रहेगा, उसी तरह उठते बैठते रहेंगे आपके साथ, उसी तरह बात करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। बस यही है कि आप उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो है नहीं, तो एक अपैरिशन कह सकते हैं या एक छाया छवि कह सकते हैं। और इस ऐप को यूज़ करके वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही होगा इंसान जैसा पहले था। अब क्वेश्चन इज कि ये ऐप अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो आयरा जैसी फिल्म बनती है। कि हरी सिंह के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हरी सिंह ने ये बना तो दिया लेकिन ये किसके हाथ में है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और यही पिक्चर का निचोड़ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जब फिल्म देखें तो आखिरी शॉट तक अपने सीट से ना उठें क्योंकि इस पिक्चर का निचोड़ आखिरी 5 मिनट में है। अब इतना बड़ा हिंट दे दिया है तो आप लोग क्लाइमैक्स ज़रूर देखिएगा। ये क्लाइमैक्स के बारे में भी एक कहानी आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं पहली बार शूटिंग करने सेट पे पहुंचा तो मैं सैम को उससे पहले एक ही बार मिला था, DOP वगैरह को पहली बार मिल रहा था। शूटिंग करते करते सडनली एक दिन जो मेरे डायरेक्टर हैं सैम मेरे पास आए, बोले मुझे एक बहुत अजीब सा आइडिया आया है, मैं शेयर करूं क्या? सर हाँ शेयर करिए। बोले मैं सोच रहा हूँ पिक्चर का एंड चेंज कर दूँ। अच्छा, अक्सर एक्टर थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है यार, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोल के हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं तो जो पूरी जर्नी है किरदार की वो उस तरफ जा रही है, तुम क्या चेंज करना चाह रहे हो? तो उन्होंने मुझे वहीं बैठे बैठे लंच टाइम पे एंड क्लाइमैक्स जो उनके मन में आया था वो समझाया और मैं एक्चुअली अचंभित रह गया। मैंने बोला ये चाहते हैं आप? बोले हाँ मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हम लोग फिर वो क्लाइमैक्स लास्ट डे पे शूट किया और उन्होंने वो क्लाइमैक्स पूरा चेंज कर दिया। और मुझे लगता है कि जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको एक झटका लगेगा कि अरे पिक्चर ये थी। मैं एक बहुत बड़ा नाम लेने वाला हूँ, वैसी कोई फिल्म नहीं है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन जैसी फिल्में बनाते हैं उसमें एंड में ऐसा कुछ होता है जैसे आप बोलते हैं कि अच्छा अच्छा जो पिक्चर हम देख रहे थे, हम सोच रहे थे पिक्चर वो नहीं थी, पिक्चर तो ये है, तो उस किस्म का एक एंड है। और बाकी तो थ्रिल है, रोमांस है, ड्रामा है, करिश्मा कोटक है, तो बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में देखने के लिए आप लोग जरूर चाहिए देखने के लिए। VFX भी है साथ साथ। अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, आपने सही एक्चुअली सवाल एंड में पूछा तो दो भाग में आपका जवाब दे देता हूँ। ये जो डीप फेक वगैरह है ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, लेकिन AI को यूज करके जो स्कैम्स कर सकती है कोई भी इंसान। मुझसे किसी ने हाल ही में ट्रेलर ड्रॉप करने के बाद किसी ने मुझसे पूछा था कि डू यू थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज डेंजरस एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब? मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं ज़्यादा डेंजरस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ गिरता है हानि वहीं पर होती है या उसके आसपास कुछ चंद किलोमीटर में होती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो वो किसी गांव खेड़े में बैठ के एक कमरे में से पूरे दुनिया को हानि पहुंचा सकता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो कुछ भी नहीं है, ये डीप फेक वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब देखो हर चीज़ टेक्नोलॉजी का जहां तक ताल्लुक है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही में एक सुपरस्टार का चेहरा मॉर्फ करके वहाँ पे किसी और का डाल दिया था और एक अश्लील वीडियो आउट कर दिया था। ये छोटी छोटी चीज़ें, आगे चल के अगर ये चलता रहा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। किसी ने ChatGPT मेंशन किया था, वो भी एक नेसेंट स्टेज है, आगे चल के बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनेंगे जहाँ पे इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि कल आप
वर्चुअली ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस शूट कर लें, तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे चल के पता चलेगा। हमेशा कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंसान डर ही जाता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एक इंसान ही इसको क्रिएट कर रहा है, एक इंसान ही इसको हैंडल कर सकता है, तो होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन रेस। आप ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हैं? मैंने कहा कि मैं बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल एक्टर हूँ, मैं कभी ऐसी चीज़ें ना बोलता हूँ, ना मेरी ज़िंदगी में हुई है, बहुत बोरिंग हूँ, तो मुझे किसी ने कभी ट्रोल किया नहीं है, और जब मुझे कोई ट्रोल करता भी है बिला वजह, तो मैं उसे जाके जवाब देता हूँ। हाल ही में मैंने किसी इंस्टाग्राम, मेरे दोस्त के इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक नॉर्मल सा कमेंट रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ उसे अश्लील भाव से पेश किया, तो मैंने उनको सीधा जाके बोला कि तुम्हारे दिमाग में गंध है, तुम शायद बचपन में सर पे गिर गए थे इसलिए तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, और इसका मतलब ये है ये नहीं है, तो काफ़ी लोगों ने फिर अपोलोजाइज भी किया। ऐसे लोग भी होते हैं, अगर आप इंटरेक्ट करके उन्हें बताएं, अपना पक्ष रखें, तो वो लोग सॉरी भी बोल देते हैं। मुझे याद है एक ही बार बहुत ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई थी, जब मैंने रजनीकांत जी का एक जोक डाला था 5-6 साल पहले, जब कोविड आया था, तो मैंने कहा था कि रजनीकांत को कोविड नहीं होता है, कोविड को रजनीकांत होता है, क्योंकि हम रजनीकांत के बारे में लार्जर देन लाइफ चुटकुले बनाते हैं, तो किसी ने उसे गलत समझ लिया और उसका गलत मायने निकाल के फिर काफ़ी ट्रोलिंग हुई। फिर मुझे समझाना पड़ा कि भाई ये तो मैं रजनी सर को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ऐसी छोटी मोटी बातें हैं। बट यूजली आई काइंड ऑफ एंगेज विद समबडी हु इज रिटन समथिंग रॉन्ग ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। अगर कोई कंट्री के बारे में या रिलीजियस कमेंट करता है, उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज आई कांट टॉलरेट एनीबडी सेइंग एनीथिंग अबाउट माय कंट्री और टेक अप अ रिलीजियस डिबेट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको बात करनी है तो मेरे साथ आके बात करिए या डीएम करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि रिलीजियस कमेंट करो तो सडनली आप कुछ कहेंगे, तो आप कुछ कहेंगे, उसके बाद में आपकी टिप्पणी आएगी, तो ये एक आग बन जाती है। आई डोंट प्रिस्क्राइब टू दैट काइंड ऑफ कमेंट्स ऑन स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। आखिर में जो है आपका जन्मदिन भी है, तो 5 तारीख को जो है एडवांस में हैप्पी बर्थडे, और थैंक यू। क्या क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को बर्थडे के दिन, क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे आप? मुझे जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं एक एरीज हूँ, एरीज लोगों को जो है वो बच्चे होते हैं, तो मुझे जन्मदिन सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है कि सैम ने मुझे बहुत अच्छा जन्मदिन दिया है, जन्मदिन का गिफ्ट दिया है कि 4 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है और 4 तारीख की रात को मैं आई विल ब्रिंग इन माई बर्थडे विथ आयरा, और यही चाहता हूँ कि आप लोग सब इस फिल्म के बारे में और बातें करें, लोगों से कहें ताकि लोग थिएटर में आके देखें। मैं चाहता हूँ कि लोग पिक्चर देखें, सिंपल सी बात है, एक अरसे के बाद ऐसी फिल्म मैं कर रहा हूँ, एक सेंट्रल लीड करना अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। काबिल और मुंबई सागा के बाद ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जहाँ पे पूरा जो बोझ जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर मेरे सर पे है या मेरे कंधों पे है। मुझे बहुत मज़ा आया ये फिल्म बनाकर, और मुझे लगता है कि जब आप लोग देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। फिल्म का जो कॉन्टेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डार्क है, लेकिन ह्यूमरस भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है, तो आई थिंक सबको मज़ा आएगा। और आप लोगों का गिफ्ट मेरे लिए, तो मैं कह चुका हूँ कि आप लोग जाके थिएटर में देखें और अपने दोस्तों से, भाई बंद रिश्तेदारों से कहें कि देवी और सज्जनों पिक्चर जाके देखिए। चलिए, तो यार अनफॉर्चुनेटली मैं होली मनाता नहीं हूँ, मैं पहले होली सिर्फ अमित जी के घर मनाता था, और जब से वहाँ की होली बंद हुई है तो मैं ज़्यादातर होली बैशेज में जाता नहीं हूँ, लेकिन इस साल हर साल की तरह एक टोकन होली जहाँ हम हमेशा जाते हैं, वो शबाना और जावेद साहब के वहाँ जाएंगे, और वो एक फैमिली एटमोसफियर है, और वहाँ पर जाके बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं वो हमेशा वहीं पर मिलते हैं, पर हम लोग वो हू हा धूमधाम वाली होली मनाना बहुत सालों पहले बंद कर दिया था, तो बस जावेद साहब के वहाँ जाएंगे, शबाना जी को तिलक लगाएंगे और होली मनाएंगे, और आप सबको होली की शुभकामनाएं पहले से। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। जी जी, इंडस्ट्री को फायदा ज्यादा होगा या नुकसान से? किसका? एआई टेक्नोलॉजी से। AI टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री को तो फायदा ही होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर सही हाथों में, जैसे प्रणव जी ने हमारा VFX किया है, अगर किसी सही इंसान के हाथ में आ गया तो आप स्क्रिप्टें लिख सकते हैं, आप दिमाग में आइडिया सोचते हैं। मैंने भी हाल ही में ChatGPT यूज़ किया था, तो मैंने जो थॉट था मेरे माइंड में, 5 राइटर को बुला के वो थॉट आपको पेपर पे डालना पड़ता है, लेकिन आप ChatGPT को कहोगे बॉय मीट्स गर्ल, दे गो ऑन अ बाइक राइड, एक्सीडेंट होता है, विलेन आता है, ये होता है, इसकी कहानी बना के बताओ, तो आपको 30 सेकंड में एक सिनॉप्सिस मिल जाता है, तो आपको फिर वो सब करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर फिर आप काम कर सकते हैं। तो आई थिंक AI से बहुत फायदा हो सकता है, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को नहीं लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कितना फायदा कितना नुकसान होता है। थैंक यू सो मच। इतना टाइम नहीं हुआ, मैंने अभी ISPL एंकर किया है, तो मैं काफ़ी एंकरिंग करती हूँ,
सो आई एम ऑलवेज होस्टिंग क्रिकेट लीग. बट येस इट्स वेरी नाइस क्योंकि ये पिक्चर जो है आयरा ये लंदन में शूट हुई थी एंड मैं लंदन से हूँ तो इट्स नाइस टू शूट एट होम क्योंकि माई मॉम एंड ब्रदर नेवर सी माई वर्क बिकॉज आई एम ऑलवेज इन इंडिया सो इट्स नाइस दैट माई फैमिली कुड बी देयर. मैंने लंदन में अपने घर से 15 मिनट दूर था लोकेशन सो दैट वॉज वेरी नाइस. सो इट्स ऑलवेज गुड टू शूट इन लंदन. And जैसे कि रोहित जी ने बताया इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आई थिंक एवरीबडी इज गोना लाइक इट. आई कांट टेल यू टू मच अबाउट हर बिकॉज आई विल रिवील टू मच. आई ऑल्सो थिंक आई नीड टू वॉच द मूवी एज वेल टू रिमेंबर एवरीथिंग बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. Oh God, that's a good question. I think center. I think people trolling is awful. I think it's really mean. काफी चीजें जो लोग लिखते हैं, you know, it's not nice. But I just delete it. I ignore it. And what else can you do? So no trolling. Everybody has to be nice to everyone. I think social media, artificial intelligence, all of these things are good if it's used in a healthy way and a constructive way. So I hope everyone likes the movie and no trolling. Actually, she's quite similar to me क्योंकि वो लड़की भी लंदन से हैं तो she also has an accent. So all of that worked. But I worked a lot with Sam and Rohit and together we made it happen. Yeah, fun. It was really, really fun working with everybody. जैसे कि मैंने कहा, not only is it an interesting concept, it's nice to shoot in London. It was nice for me to shoot there. So overall, it was good. Thank you, guys. Yes. Yeah. 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 I think exactly. It's a really good question. The fact is that there haven't been many movies in India about artificial intelligence. Artificial intelligence kya hai? You know, logo ko pata hi nahi hai. So I think this is a really interesting concept. And obviously, Sam is ahead of his time. He's sort of a very good story. And you know, when the person tells you the story and when you're listening to it and when you're acting, it's two different things, but this wasn't that. It was very, very to the script. Thank you guys. हटके फिल्म है, बहुत अलग फिल्म है, बहुत आयरा एक बहुत अलग फिल्म है, बहुत हटके फिल्म है. जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो नॉर्मल रोमांटिक फिल्म या नॉर्मल स्टोरीज के ऊपर नहीं है. तो ये जब आप थिएटर जाके देखोगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है या कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है ये टेक्नोलॉजी. और ये टेक्नोलॉजी अभी फ़िलहाल इज़ द टॉक दैट्स हैपनिंग. सो उसके ऊपर बेस्ड ये नॉलेज एनहेंसर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया गया है इसके बारे में. तो आप देखोगे तो इन डेप्थ किया गया है, इसीलिए इसमें इतना सारा थ्रिलर और मर्डर डार्क साइड दिखाया गया है. क्योंकि ऐसा लगता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है लोगों को ऐसा लगता है कि अरे फिर तो बहुत ईजी हो गया है, फ़ोन खोलो, ऐप खोलो, डाउनलोड कर लो, सब कुछ ईजी हो जाता है. लेकिन आप चाहे कोई भी ऐप्स ले लो, अभी बैंकिंग ऐप हो गया, कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, वो अवेयरनेस सब लोगों को होता नहीं है. तो ये अवेयरनेस इसमें दिखा गया है. इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. एक कैरेक्टर है इमरुल खान जो मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. ये सारे कैरेक्टर्स मिलके इस ऐप को, इस सॉफ्टवेयर को एक नया चेहरा देते हैं इस ऐप को. लेकिन वहाँ से कैसे सडनली सब कुछ कोलैप्स होके सारी चीज़ें नेगेटिव इसमें चली जाती हैं वो इसमें ब्यूटीफुली दिखाया गया है. तो प्लीज़ देखें. एज एन एक्टर ये एक्चुअली मेरी पहली हिंदी फिल्म है. सो हाई टू एवरीबडी एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री. तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि ये फिल्म बहुत अलग है, तो इसमें जिस तरीके से शूट किया गया है वो भी बहुत अलग है. ये नॉर्मल जैसे हर सीन आप किसी को एक्टर के साथ खड़े होके डायलॉग्स बोल के इंटरेक्ट करते हो वैसा वाला नहीं था. बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स और
फेस टाइम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं जिसमें डायलॉग्स तो दी जाती हैं आपको. सैम जी ने काफ़ी सारे डायलॉग्स दी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे कोएक्टर्स के साथ फेस टू फेस होगा, लेकिन जैसे रोहित जी ने बताया फेस टू फेस बिल्कुल नहीं था. तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डायलॉग्स थी जो आपको सिर्फ हवा में ऐसे बोलनी पड़ी, ग्रीन स्क्रीन था. तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था. इनिशियली थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, लेकिन सैम एज अ डायरेक्टर बहुत बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम कैमरा ऑन है और हम शूट कर रहे हैं. तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस. तो यार आइडिया बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था. इस नॉट ए मीन्स हम तो इसके साथ जी रहे लास्ट 3 साल से, 2-3 साल से इस पर VFX का काम चला हुआ एंड एवरीथिंग. दिस वॉज अ ड्रीम कम ट्रू बेसिकली. जब मैं फाइनल कॉपी आई सॉ इट ऑन सैटरडे, बिकॉज एवरी डे इस पर करेक्शंस आता है, एवरी डे कुछ ना कुछ चेंज होता है. बिकॉज जब आपका फिल्म टोटली ड्रामा ना हो एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट प्रोडक्शन, इट टेक्स टाइम. बट द आइडिया ऑल स्टार्टेड, आपको मैंने जो बोला था, आइडिया स्टार्टेड विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ AI. जब कोविड में आपका बहुत हलचल मच गया था कि यू नो पीपल आर टॉकिंग ऑन जूम कॉल्स, पीपल कांट सी ईच अदर, पीपल ऑफिस में जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑल द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज डन थ्रू योर जूम कॉल्स एंड एवरीथिंग. सो हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं और इसका क्या रिपरकेशन है आदमी को समझाते. सो ऑब्वियसली दैट वॉज द आइडिया हाउ इट वॉज सेट एंड नाउ मीन्स इट इज़ द राइट टाइम. एंड जो बढ़ गया है जो अभी जो सिचुएशन है, इट इज़ क्वाइट राइट टू द टाइम फॉर रिलीज. रोहित जी इज़ अ बेस्ट फिट इन द कैरेक्टर. जब आप देखोगे वो आपको समझ में आएगा. बिकॉज इस पर जो है मैं ज़्यादा इसका प्लॉट मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ. मतलब मैंने तो इस पर सोशल मीडिया में बहुत जगह पे देखा है कि आपका 2-2.5 मिनट का ट्रेलर में इन्होंने पूरा स्टोरी बता दिया. सो आप सोचो ट्रेलर में आपको इतना स्टोरी समझ में आता है तो 2-2.5 घंटे में फिल्म में क्या क्या दिखाई देगा. तो वो समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स वेर वेरी वेरी स्पेसिफिक. हमने किसी को भी जो चूज़ किया है हमने बहुत कुछ सोच के चूज़ किया है. एंड कॉम्पेटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग और बिलीविंग अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस इज़ नॉट ईजी. मैं किसी को भी जाके कोई भी एक्टर को बोलूँगा कि मेरे को ये करना है, सब ट्रस्ट नहीं करेंगे. बिकॉज आज के दिन में आपका हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स दे आर वेरी स्पेसिफिक के क्या उनको क्या दिख रहा है. बिकॉज इसमें रियलिटी बहुत कम है, वर्चुअलिटी ज़्यादा है. सो जब हम पिच कर रहे थे उनको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट हम क्या बोलने का कोशिश करेंगे. सो ऑब्वियसली ही इज़ द राइट चॉइस. AI will never replace humanity. I don't trust that statement. But I definitely believe that actually it can make your life better if it is utilized in a proper way. But हमारे industry में तो film making में तो definitely कभी आपका है ना आदमी का replacement कभी computer कर नहीं सकता. आप computer को आपका slave बना सकते हो. If you are doing the right things with your computer, it can let you be more productive. That's the whole idea of AI. But जैसे रोहित सर ने बताया कि अगर गलत आदमी के हाथ में AI पड़ गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. Of course, इस्तेमाल तो गलत हो ही रहा है. इस्तेमाल आज गलत नहीं, आज के दिन में नहीं हो रहा है. आज you know it is the starting of जिस दिन से ऐप वगैरह बनना चालू हुआ है उसके पीछे क्या मोटिव है किसी को कोई पता नहीं है. आप जब फ्री ऐप डाउनलोड करते हो आपके सिस्टम में आप नहीं देखते हो. आप व्हाट्सएप चलाते हो ना रोज, मीन्स आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट व्हाट्सएप एज थिंग. यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग एंड वेयर यू आर सेंडिंग द मैसेज, कहाँ पे किस डेटा सर्वर में जा रहा है, कहाँ पे से आपका मैसेज मेरे को आ रहा है. यू डोंट नो, इट मे बी समवेयर इन बिटवीन अफगानिस्तान में जा रहा है ना चाइना में जा रहा है. यू डोंट नो. सो टेक्निकली इट इज़ अ वेरी ग्रे एरिया.